तो कैसे हो यारो? दिस इज़ युग त्रिवेदी एंड इसमें मैं आपको एक ऐसा टॉपिक है विच आई एक्चुअली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइस, दैट अबाउट इम्पोर्ट टैक्सेस। आई रिसेंटली चेक्ड आउट अमेजोन इंडिया, वहाँ पे मैंने बेबलेट बस टकारा टॉमी लिखा एंड वहाँ पे मैंने बेबलेट के प्राइसेस चेक किए। देयर वॉज जेट वाइवन एंड लूसीफर द एंड। जेट वाइवन वॉज अबाउट 2500 एंड लूसीफर द एंड वॉज अबाउट 2400, अबाउट एस्टिमेटेड, जस्ट राउंड ऑफ फिगर्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, मतलब मुझे एक्चुअली में मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था विलेज पारी का। मुझे ये नहीं पता कि वीडियो कब अपलोड होगा, क्योंकि अगर मैं आज अपलोड पे लगा, बिकॉज वो विलेज पारी का वीडियो मैंने 1 घंटे पहले अपलोड पे लगाया था और वो 1 घंटे में पूरा अपलोड हुआ है। एंड दैट टू मैं उसको इधर उधर लेके गया नेटवर्क्स के पास, तब जाके अपलोड हुआ है। सो एक्चुअली में मैंने विलेज पारी का एक वीडियो डाला था जब, सो वहाँ पे प्रांजल सिंह, देयर वाज अ गाय, ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट बेबलेट्स एक्चुअली में अमेजोन पे आ चुके हैं, वो भी टकारा टॉमिक। मैं सोचा वाह भाई ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आई एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट वन थिंग एंड मैंने उन लोगों को बताया कि गाइस अमेजोन कस्टम्स इंक्लूड नहीं करता है। दैट मीन्स कि आपको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, कस्टम्स की स्टोरेज पे जाना पड़ेगा एंड कस्टम स्टोरेज के लिए आपको, मतलब आपको एक अलग से पोस्टमैन भेजा जाएगा जो और चार्ज करेगा उसके लिए। तो देवर एक्चुअली सेइंग कि हमें तो खुश होना चाहिए। यार मैं कहूँगा क्यों खुश होना चाहिए, हमें तो रोना चाहिए अमेजोन पे आया वो। बिकॉज अगर लूसीफर द एंड, सॉरी जेट वाइवन 2500 का है, 2500, तो भाई ये तो ऑफिशियल प्राइस है ना सिर्फ। एंड इवन योगी ब्रो सेल्स एट 2300 और समथिंग अबाउट दैट, सेम प्राइस है, बट शिपिंग लेते भी होंगे तो वो मैं 2400 मार के चल रहे थे या 2600 मैं इतना मान के चल रहे थे अगर DDTC से शिप हुआ है तो। मैं आपको इतना बता दूँ कि देखो यार 2500 सिर्फ अमेजोन का प्राइस है और वो भी अमेजोन की, अगर मैं आपको गाइडलाइंस, यहाँ आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, अमेजोन स्टेट्स दैट कि इम्पोर्टिंग वो कराएंगे, जो पैसा आप उन्हें ऑनलाइन COD के लिए भी देंगे ना वो बुकिंग करा देंगे, इम्पोर्ट सारा आपको ही कराना है, आपको पूरा इम्पोर्ट कराना है, यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग द बेस। सो भाई ये कहाँ से सेंस है, कोई सेंस है इस बात की कि मतलब सस्ता मिल रहा है? इवन प्रांजल सिंह ही वॉज एक्चुअली सेइंग दैट यार 1200 में रैंडम बूस्टर मिल रहा है। सो ब्रो इम्पोर्ट टैक्सेस कैसे भूल गए, इम्पोर्ट टैक्सेस आजकल बढ़ चुके हैं। द इम्पोर्ट टैक्सेस विल बी अबाउट इफ दैट्स 2500, सो यू हैव टू पे अबव 3300 और 3500 जस्ट फॉर इम्पोर्ट टैक्सेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ जस्ट वे मोर एक्सपेंसिव देन वॉट यू आर एक्चुअली पेइंग। एंड इवन काफ़ी सारे सेलर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक किए हुए कि उनके नंबर से यू कैन गेट देयर कॉन्टैक्ट, यू कैन आस्क देम। सो इम्पोर्ट टैक्सेस, हाउ इम्पोर्ट टैक्सेस विल एक्चुअली वर्क, वॉट अमेजोन इज जस्ट गोना डू इज दैट इट विल जस्ट बुक द प्रोडक्ट विच यू हैव, बिकॉज यू आर एक्चुअली इन अ प्लेटफॉर्म, अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, मतलब आपको बुकिंग देनी पड़ेगी और वो जापान से है, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन US और या इंडिया में थोड़ी ना मैन्युफैक्चर, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन जापान। सो इन इन जापान यू विल एक्चुअली सी दैट इट इज़ इन एशिया बट द कस्टम्स, द इम्पोर्ट चार्जेस, दे विल बुक इट, देन दे विल आस्क योर पैन कार्ड नंबर, योर आधार कार्ड नंबर, और फिर बाद में वो उसको इम्पोर्ट कराएंगे और उस इम्पोर्ट का चार्ज भी आपको पे करना है। और इस इम्पोर्ट चार्जेस को पे करने के बाद आपको जो पोस्टमैन, जो गाज़ियाबाद पोस्ट है, जो इंडिया पोस्ट है, वहाँ से आपको जो पोस्टमैन पे करेगा आपको उसे भी पे करना है। तो राउंडेड ऑफ आपको 2500 का आपको को 1000-2000 ज़्यादा पे करना पड़ता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, योगी ब्रो वीवर इन BOTF ग्रुप, ही एक्चुअली ऑर्डर्ड अ स्मॉल पार्सल, उसका एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं पता बट आई गेस इट वॉज अबाउट 1800।
इट वॉज जस्ट अ स्मॉल बॉक्स, मीडियम साइज भी नहीं था. जितने बड़े फ़ोन के बॉक्स होते हैं ना, S21 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिड रेंज फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ जिनमें चार्जर होता है. सो उतना बड़ा बॉक्स था सिर्फ, एंड ही हैड टू पे 3600 फॉर अ 1800 रुपीज़ बुकिंग प्राइस, एंड ही हैड टू पे 3600 बिकॉज ऑफ इंडिया पोस्ट कस्टम्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इट कैन इट एक्चुअली वर्क्स, हाउ द इम्पोर्ट टैक्सेस एक्चुअली वर्क्स. तो यहाँ से पता लगा सकते हो कि इम्पोर्ट टैक्सेस कितने एक्सपेंसिव बना देते हैं आपके प्रोडक्ट को. एंड मैं कुछ लोग को कहना चाहूँगा, कुछ सज्जन लोगों को, दे वर सेइंग दैट यार हमें तो खुश होना चाहिए कि अमेज़ॉन से आया. भाई खुश नहीं होना चाहिए. मैंने बोला ना क्यों नहीं होना चाहिए खुश, बिकॉज यार तुम्हें तो ज़्यादा पे करना पड़, तुम तो डबल से भी ज़्यादा पे कर रहे हो. तुम अगर 2500 का अमेज़ॉन से मंगाओगे तो तुम्हें तो 3500 से ज़्यादा, या कभी यार मुझे नहीं पता इम्पोर्ट टैक्सेस कैसे जादू है अगर सस्ते में मिल जाए इम्पोर्ट करने का. एंड योगी सिंह जेट वाइवन को 2400 2500 2600 2700 तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया उस बे के लिए, जेट वाइवन के लिए. बट यार जेट वाइवन जैसे बे को 3K से ऊपर पे करना, यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड यार इतना महंगा होता है उसे पे करना. एंड इवन देयर वाज सम पीपल, उनका नाम हटा दे रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज ये बात यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में नहीं हुई थी, ये बात वो व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म में हुई थी, बट मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए था. बट जस्ट टू टेल यू गाइस कि ऐसा क्या होता है, और मतलब अचानक से मैंने वीडियो बनाना क्यों शुरू किया है. इवन मैं ज़्यादा इस वीडियो को एडिट तक नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा कवरेज का इशू है. यू कैन सी आई एम इन अ विलेज, यू कैन सी, तो यहाँ पे कवरेज का इतना इशू होता है कि मैं अगर वीडियो को ज़्यादा एडिट करूँगा ना, एक्सपोर्ट तो हो जाएगा वीडियो, अपलोड ही नहीं होने वाला है, वो 2 दिन ले जाएगा अपलोड होने में. सो मैं सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर रहा हूँ और कुछ अपनी क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ. इवन मैंने इस पर एक इससे रिलेटेड एक इंस्टा पोस्ट भी बनाई थी मैंने कि यार आप लोग थोड़े मतलब कि कैसे इम्पोर्ट टैक्सेस एक्चुअली वर्क करते हैं और आपको कैसे करना है उसको. तो मैं कहूँगा यार इंडियन सेलर्स को सपोर्ट करो, वो आपको इतने कम प्राइस पे दे रहे हैं, रिस्पेक्ट देम. COD का, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि COD क्या ज़रूरी है. अब इस सेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ COD का ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी. COD भाई अमेज़ॉन के लिए ज़रूरी है. इवन अगर देखो यार अमेज़ॉन में क्या ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक ही चीज़ पर नहीं बेचते वो लोग. बट वॉट डू दीज सेलर्स डू, दे सेल बेस, सम सेल एक्शन फिगर्स. सो यार आपका अगर आप COD का प्री पेमेंट करोगे तो यार वो बुकिंग ले रहे हैं ना आपसे. इवन वो बाद में आपको, जैसे कि मैंने इन्फिनिट अगली मंगाया, मुझे एम्परर फोर्नियस मिल गया उसके साथ, एंड फ्यूचर में और कुछ मंगाऊंगा, आई डोंट नो मुझे क्या मिलेगा. बट फिर भी यार इन इंडियन सेलर्स को सपोर्ट करो. COD चाहिए, ये क्या चीज़ है COD? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा पार्सल नहीं आएगा? नहीं आएगा, तुम कंप्लेंट कर दो किसी इंडियन सेलर को जिससे तुम्हें उसका नंबर मिला है, तुम उसे कंप्लेंट करो. तुम्हें क्या लगता है स्कैम हो जाएगा तुम्हारे साथ? यार ट्रस्टेड सेलर से सबको लिस्ट करता हूँ मैं, आई एम नॉट अ मैड पर्सन, मैं उन लोगों से मंगाता हूँ. आई मीन अभी मैंने सिर्फ योगी सिंह को एक्सपीरियंस किया, बट इन फ्यूचर मे बी मैं कुछ लोगों को एक्सपीरियंस करूँ, एंड दीज आर ऑल ट्रस्टेड सेलर्स. एंड ये लोग क्या, कोई भी अगर IBA सेलर्स ग्रुप पे कोई पोस्ट डाले ना तो उसमें तुरंत दिखा आ जाता है सोल्ड, बिकॉज दीज आर ट्रस्टेड. इवन काफ़ी सारे नए सेलर्स आए हैं, जैसे वन ऑफ द न्यूएस्ट सेलर भारत सैनी, यार ही हैज सेंट अ लॉन्चर, चोजी अकेलीज लॉन्चर टू अ गाय बेब्लेड सुपरस्टार द LR1. तो यार आप देख लो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है. इवन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म में देर वॉज अ गाय, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, ही वॉज सेइंग आई एम बैड माउथिंग योगी इंस्टिंक्ट. योगी ब्रो, आई एम नॉट बैड माउथिंग यू, एंड ब्रो जिसने तुम्हें, मैं तुम्हें, एंड तुमने जो लिखा था कि आई हैव सीन बेस प्राइस एट अमेज़ॉन, यार तुम पलट गए यार तुम सब.
सबके सब पलट गए। तुम लोग पहले खुद बोल रहे थे कि अमेज़ॉन का होता है, अमेज़ॉन से मतलब हम लोग देख के आए हैं, प्राइस है आ गया वहाँ पे 1200 का मिल रहा है इन्फिनिट अकिलीस। बेटे 3500 पे करना पड़ेगा 1200 का, रैंडम, वो भी रैंडम कंफर्म नहीं, तो समझा करो बात को। एंड आई होप इतने लंबे वीडियो तक के यहाँ तक के आए हो तो ज़रूर कुछ कर पाओगे। मैं इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ यार वीडियो पोस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा साइज़ हो गया अगर वीडियो का सो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर पोस्टिंग द वीडियो। सो प्लीज़ समझो बात को और थोड़े मतलब काइंड हो जाओ। मैं चाहता मीम्स यूज़ करके, आई वुड हैव यूज सम चीप मीम्स, बट नहीं, मैंने नहीं यूज़ किया बिकॉज इसका बैड इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। सो आई वुड जस्ट से कि यार कोई बात अगर समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और किसी कंटेंट क्रिएटर, किसी ट्रस्टेड कंटेंट क्रिएटर, मुझे खुद को नहीं पता था कि अमेज़ॉन इंक्लूड्स इम्पोर्ट टैक्सेस, सो आई लेटर आस्क द सेलर्स एंड दे सेड दैट अमेज़ॉन को तो सिर्फ बुकिंग का पैसा चाहिए और फिर बाद में आपको और पे करना पड़ता है। तो पे कर दो भाई 1200 का, अगर 3500 पे करना है, एक का डबल टिबल जितना भी हो जाए तुम्हें पे करना, तुम पे करो सीओडी के चक्कर में। और अगर तुम सीओडी के चक्कर में इतना पे करोगे, आई वुड से यू आर कम्प्लीटली मैड, तुम पागल हो एक नंबर के। बस गाइस बाय बाय, स्क्रीनशॉट इंक्लूड नहीं कर पाया, सॉरी, आई एम इन अ विलेज, बट स्टिल गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ज़रूर गाइस आप प्लीज़, मैंने स्क्रीनशॉट्स एक और रीज़न से इंक्लूड नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ देयर प्राइवेसी रीजन्स, इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ अब। थैंक यू गाइस, बाय बाय, और जल्दी नॉर्मल वीडियोस आ जाएगी, इतने कचरे एनवायरनमेंट में मुझे भी पता आप लोग को बुरा लगता है वीडियोस, एंड इवन थोड़ा फन हो जाता है। दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल वीडियो, बट स्टिल गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।